हेलो और स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज की आधुनिक जीवन शैली में हमारा जीवन हेक्टिक और बिजी हो गया है ना। कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि हम ठीक से खाएं या सही खाएं। इसलिए आज के स्पाइस बॉक्स में मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं सेहतमंद बेक वेजिटेबल्स इन टमेटो सॉस, और मैं इस्तेमाल करूंगी मेरी दो पसंदीदार सब्जियां बैंगन और आलू। आइए शुरू करते हैं। सामग्री जो हमें चाहिए वो है उबले हुए और कटे हुए आलू। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 आलू। उबली हुई सब्जियों में मैं ले रही हूँ बीन्स, गाजर और मटर, हर एक आधा कप। आधा कप कटा प्याज, आधा कप कसा हुआ प्रोसेस चीज, 3 चम्मच भर के घी, 2 चम्मच केचप, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच चिली सॉस, आधा कप मक्खन, चुटकी भर नमक, 1/4 कप मैदा। टॉपिंग बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट सॉस, और व्हाइट सॉस के लिए हमें चाहिए 1.5 कप दूध, आधा कप मक्खन, 1 चम्मच काली मिर्च, चुटकी भर नमक, 3 चम्मच मैदा। मैंने मक्खन को गर्म कर लिया है पैन में। डालूंगी थोड़ा सा मैदा इसमें। भून के डालूंगी दूध। ध्यान रहे कोई गट्ठे ना हो। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, उबाल लेंगे इसे। हिलाते रहेंगे जब तक कि सॉस गाढ़ा हो जाए। सॉस अब गाढ़ा हो गया है। अब हमारा व्हाइट सॉस तैयार है। बाजू पे रखेंगे इसे। हम शैलो फ्राई कर लेंगे आलू को घी में। आप इसे पूरा भी तल सकते हैं। आज मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे रखना है इसे सेहतमंद। आप ले सकते हैं बैंगन भी इसमें। ध्यान रहे कि आप शैलो फ्राई कर रहे हैं दोनों तरफ। मैंने दूसरे पैन में थोड़ा सा मक्खन और गरम किया है। मैं डालूंगी इसमें कटे प्याज। भून लूंगी इसे। डालूंगी मैदा गाढ़ा करने को। डालूंगी सॉसेस इसमें, सबसे पहले केचप। चिली सॉस, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक, डालूंगी उबली सब्जियां, गाजर, बीन्स और उबले हुए मटर। डालूंगी इसमें पानी लगभग 1.5 कप। पकाएंगे इसे थोड़ी देर के लिए। टमाटर सॉस अब तैयार है। बेकिंग डिश में मैं शुरू करूंगी असेंबल करना आलू। मैं इस्तेमाल करूंगी आधे आलू। बनाऊंगी पहला लेयर। मैं इसमें डालूंगी वेजिटेबल और टमेटो का सॉस। अब मैं लेयर करूंगी बाकी बचे आलू का इस पे।
मैं डालूंगी व्हाइट सॉस सबसे ऊपर, छिड़कूंगी ऊपर से कसा हुआ चीज, थोड़ा सा मक्खन, बेक करेंगे पहले से गरम ओवन में 180 डिग्री पे 20 मिनटों के लिए। ये काफी रसप्रद था बनाना और लगता भी है बहुत रंग बिरंगी। आप इसे सर्व कर सकते हैं टोस्ट की हुई ब्रेड स्लाइसेस के साथ नाश्ते या खाने में, लेकिन रात के खाने के लिए नहीं, क्योंकि ये काफी हैवी डिश है। और अगर आपको इससे भी ज्यादा सेहतमंद बनाना है तो कम चीज और मक्खन डालिए और ज्यादा सब्जियां डालिए। लेकिन याद रखें, ठीक है खुलकर खाना भी, तो आप इसे जरूर बनाएं।